यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राजधानी दून को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ राजपुर रोड में स्मार्ट पार्किंग के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जनवरी के अंत तक शहर के कई मुख्य स्थानों में वाटर एटीएम लगाने की भी तैयारी की जा रही है, जिनका संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही देहरादून एक प्रसिद्ध पर्यटक नगरी भी है। ऐसे में पूरे शहर में पीने के पानी या फिर वाटर एटीएम जैसी कोई व्यवस्था ना होने के कारण यहां आम जनता और पर्यटकों को अक्सर पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब शहर के अलग अलग हिस्सों में वाटर एटीएम लगाए जाने से आम जनता के साथ ही पर्यटकों को भी खासी सहूलियत मिल गई है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने ये भी कहा कि राजधानी में 25 से 30 स्थानों पर वाटर एटीएम लगाए जाएंगे, जहां से लोग सिर्फ 1 या 2 रुपए में पानी पी सकेंगे। स्मार्ट सिटी जब बनेगी तो देहरादून जो है स्मार्ट नजर आएगा, और हमारी स्मार्ट रोडें बननी हैं, बिजली की तारें जितनी हैं ये सब भूमिगत होनी हैं, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बसें चलनी हैं, वाटर एटीएम लगने हैं और स्मार्ट टॉयलेट बनने हैं, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर काम चल रहा है और 2019 में जो है स्मार्ट सिटी का काम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा।